नमस्कार, आज की न्यूज के इस खास कार्यक्रम आज की रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों हमारे हिंदुस्तान देश में जहां एक और राजधानी नई दिल्ली में मोदी के नाम के चर्चे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी का नारा बुलंद हो रहा है। गंगा जमनी तहजीब वाले हमारे इस भारत देश में आज एक ऐसा सवाल सामने आया है जिसने वाकई में हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सवाल उठा है हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश से, और साफ तौर पर राजधानी भोपाल में भी इसकी आहट सुनाई देने लगी है। आप कहेंगे कि आखिर ये सवाल है क्या, और क्या इस वाकई में इस मुहाने पर आकर इस सवाल का उठना लाजमी था। तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शकों को जरा सवाल बता देते हैं। जी हाँ, दरअसल सवाल कुछ ऐसा है जिसका राग अलापा है मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सैयद इमादुद्दीन ने। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अब आने वाले दिनों में मदरसे में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पाठ पढ़ाए जाएंगे, उन्हें यहाँ पर छात्रों को ये बताया जाएगा कि किस तरह से देश के इन दो बड़े राजनेताओं ने अपने जीवन में एक बड़ा संघर्षमय सफर तय किया है। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि मदरसे में मोदी और शिवराज का गुणगान पढ़ाया जाए, और आखिर क्या ऐसी बड़ी वजह थी कि मध्य प्रदेश के मदरसा बोर्ड अध्यक्ष को यह बड़ा बयान देना पड़ा। सबसे पहले इस पूरे मामले की सर्जरी करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मदरसा बोर्ड पर लगातार अपनी पैनी नजर रख रहे हैं, और खजराना क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे। पीयूष, इस पूरे सवाल के आखिर मायने क्या निकाले जाए, क्या जरूरत आन पड़ी कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का ये बड़ा बयान जो है अब सामने आया। बिल्कुल महेंद्र जी, साफ तौर पर अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 7,000 से भी ज्यादा मदरसे हैं, और जिस तरह से हम लोग बात करें तो मदरसों की शिक्षा को लेकर तर्क वितर्क किए जाते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार भी चिंतित थी कि किस तरह से शिक्षा मदरसों की जो है उसकी गुणवत्ता को सुधारा जाए, और साथ में वहाँ पर पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं विद्यार्थी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से मदरसा बोर्ड भी इस बात को लेकर काफी चिंतित था, और हर साल पाठ्यक्रम में यानी कि सिलेबस में बदलाव होता है, और किस तरह से नए सिलेबस में क्या क्या चीज होंगी, किस तरह के विषय उसमें जुड़ेंगे और पुराने विषय कौन कौन से हटाने हैं, यह तमाम जो है वो तय करने का काम यहाँ पर मदरसा बोर्ड के हाथ में रहता है। इस बार भी कहीं ना कहीं सिलेबस में बदलाव को लेकर जब हलचलें तेज हुई तो इस तरह की बातें सामने आई कि जो देश की बड़ी शख्सियत हैं, जो ऐसे नाम हैं जिनके संघर्ष की कहानी अक्सर जो है वो याद की जाती है, और बच्चों को भी कहीं ना कहीं उनके संघर्ष की और उनकी जीवनी की कहानियों को बताना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में जब नाम इनमें तमाम जो जिन नामों पर चर्चा की गई, उन नामों में हम लोग आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का नाम सामने आया है, कई देश के बड़े जो है देशभक्त रहे हैं उनके नाम भी इसमें जो है वो तय किए गए हैं, लेकिन दो नाम ऐसे सामने आए जिन पर हलचले ज्यादा तौर पर देखी गई। सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का नाम कहीं ना कहीं इस पूरी लिस्ट में भी देखा गया। हालांकि इस पूरे मसले पर हम लोग गंभीरता से जो है पड़ताल करें और पूरी सर्जरी अगर इस पूरे मसले की जाए तो जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इसे किसी भी नए रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बच्चों को यह पता होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन है और प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर कौन है। हालांकि इस जो है वो पूरे मसले पर हम लोग देखें तो गुणवत्ता को सुधार पर जो है वो यहाँ पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मदरसों में किस तरह से शिक्षा के बदलते आयाम होंगे और क्या बच्चों को शिक्षा दी जाने वाली है, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और मेरे जहन में है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद दर्शक भी ये बात जानना चाहेंगे कि क्या इस पूरे मामले को सियासी चश्मे से देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश में लगातार जो है राजनीतिक फिजाओं में बदलाव आया है, राजनीतिक रुख बदला है, सियासी हवाएं एकदम से बदली हैं, उसके बाद ही आखिर क्यों ये जरूरत आन पड़ी, और आखिर क्या वजह थी कि मदरसे में क्या वजह थी कि पाठ को यहाँ पर जोड़ा गया है, सीधे तौर पर पढ़ाया जाएगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यकाल को या उनकी शख्सियत के बारे में बताया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं देश में हमारे, जो जिनके बारे में जो है अभी छात्रों को या कहा जाए भावी पीढ़ी को बताना जरूरी था, आखिर इसे क्यों ना सियासी चश्मे से जोड़कर भी देखा जाए। बिल्कुल ये सही बात है महेंद्र जी कि सियासी रंग अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे मामले पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी बड़ी शख्सियत है, हालांकि इसमें हम लोग नाम देखें तो बड़े नाम है, APJ अब्दुल कलाम है, दीनदयाल उपाध्याय है, जो सीधे तौर पर BJP से वास्ता रखते हैं और BJP के युग पुरुष भी कहे जाते हैं एक तरह से, तो कहीं ना कहीं इसे सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष इस मामले
मामले में अभी तक फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन इस मामले में जिस तरह से हम लोगों ने बात की है, शिक्षाविदों से बात की है, तो कहीं ना कहीं तर्क और वितर्क यही निकल कर सामने आ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या मदरसों में भी कहीं ना कहीं सियासत का रंग देखने को मिलेगा। हालांकि चर्चाएं गर्म है, आने वाले दिनों में पाठ्यक्रम में ये चीजें शामिल होती है तो उस वक्त क्या परिणाम सामने आते हैं, लेकिन फिलहाल सियासत यहाँ पर इस पूरे मामले में हावी जरूर नजर आ रही है। चलिए, कहा जा सकता है कि मदरसे में जहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर अब जरूर वो मोदी मोदी का पाठ पढ़ेंगे और शिवराज मामा का रट्टा भी वो आने वाले दिनों में लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं और इसी बड़े सवाल पर, इसी बड़े आज के रिपोर्ट पर और पड़ताल करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा से आज की न्यूज के संवाददाता शार्दुल राठौर। शार्दुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें मदरसों में मोदी और शिवराज का गुणगान, क्या लगता है आपको इसको क्या नजरिया रहा होगा इस बयान के बाद मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का? और सीधे तौर पर अगर आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 2,30,000 से ज्यादा ऐसे प्रदेश भर के छात्र हैं जो कि मदरसों में पढ़ाई करते हैं, तो क्या लगता है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इसे सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि एक तरह की पॉलिटिकल ओवरलैपिंग है आने वाले कल के लिए, आने वाले कल के बच्चों पर? जी बिल्कुल महेंद्र जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देश में अभी दो ही नाम चल रहे हैं, मोदी और योगी, और इस दौरान जो देश की राजनीति में बदलाव आया है उसको देखते हुए ये जो आपका सवाल है लाजमी है कि मदरसे बोर्ड में दो हिंदूवादी नेता, जिसे बीजेपी के एक स्टार प्रचारक के तौर पर भी देखा जाता है, स्टार चेहरे हैं जी बिल्कुल, उनको देखा जाता है और उन्हीं को लेके कई बार विरोधाभास भी आया है मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में। तो इन विरोधाभास के बीच में जो ये बात निकल के सामने आई है कि मदरसे बोर्ड में मोदी को पढ़ाया जाए, मोदी के आचरण को बताया जाएगा, शिवराज सिंह चौहान के आचरण को बताया जाएगा, और इसकी पहल खुद मुस्लिम वर्ग ने की है मदरसे बोर्ड की तरफ से, तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं देश में एक बदलाव है। और राजनीतिक नज़रिए से अगर इस बात को हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि जिस देश में जिसकी सत्ता है वो कहीं ना कहीं इन चीजों पे अपना प्रभाव छोड़ता नजर आता है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को एक बार और पुरानी पार्ट की याद दिला देते हैं। जब देश में लगातार 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों पर बहस चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ 3 तलाक का एक ऐसा अहम मुद्दा था जिसने पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत के चेहरे को ही बदल कर रख दिया, या कहा जाए कि राजनीतिक हवाओं का रुख ही पलट कर रख दिया। 3 तलाक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो एक बड़ा बहुमत अल्पसंख्यक समुदाय से उत्तर प्रदेश में मिला है, उसके बाद तो ये कहा जाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब धीरे धीरे अल्पसंख्यक समुदाय जो कि कांग्रेस का एक सीधे तौर पर वोट बैंक माना जाता था, वो भी अब धीरे धीरे खिसकता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीति की तरफ जो है अपना रुख कर रहा है। आगे बढ़े और इस पूरे मामले पर तमाम जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी क्या राय है वो भी यहाँ पर जानना बड़ा ही लाजमी हो जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष हैं और सीधे तौर पर भारतीय संस्कार और संस्कृति का बड़ा बखान करते हैं पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी। इस पूरे मामले पर जब आज की न्यूज की टीम ने उनसे सवाल किए तो क्या उनका कहना था और वो किस नजरिए से इस पूरे मसले को देखते हैं? यहाँ पर दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का एक और साथ में बयान है कि नमामि नर्मदे यात्रा, यानी कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों यात्रा पर निकले हैं, उस यात्रा की क्या खास बातें हैं और उस यात्रा का क्या महत्व है, ये भी जरूर मदरसों की पढ़ाई में शामिल किया जाएगा, ये भी उनके बयान में एक बड़ा वक्तव्य शामिल है। तो इन तमाम सवालों को लेकर जब सीधे पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक से सवाल किए गए तो क्या था उनका सीधा जवाब, यहाँ पर आइए देख सुन लेते हैं। देखिए, महान पुरुषों के चरित्र को यदि शिक्षा के मंदिर में पढ़ाया जाता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। शिक्षा के मंदिर चाहे वो मदरसे बोर्ड हों, चाहे विद्यालय हों, चाहे विश्वविद्यालय हों, चाहे संस्कृत पाठशालाएं हों, वहाँ विद्वान पुरुषों के, महान लोगों के चरित्र का जो है गान अवश्य होना चाहिए। अब ये दूसरी बात है कि महान लोग कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, उनका चुनाव कैसे किया जाना चाहिए, ये जो एक विषय है ये अलग विषय है। किंतु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और उसके बाद जो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए जो काम किए हैं निश्चित रूप से वह सराहनीय है, स्तुत्य है। और उनका यदि पाठ मदरसे बोर्ड में पढ़ाया जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। विश्वविद्यालयों भी उन्हें शामिल करना चाहिए,
संस्कृत की पुस्तकों में भी उनका नाम शामिल करना चाहिए और अन्य अनेक जो है महान पुरुष हुए हैं उनको भी इसमें यदि शामिल किया जाए तो निश्चित रूप से यह युवकों के लिए एक आदर्श कार्य होगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि विषय विशेषज्ञ किस तरह से अपनी राय रखते हैं। एक बार फिर हम चलते हैं खजराना इलाके में मौजूद आज की न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे के पास। पीयूष, आपका क्या कहना है? अब यहाँ पर हमने सुन लिया एक पक्ष सीधे तौर पर कहीं ना कहीं से सियासी चश्मे से जरूर फिलहाल देखा नहीं जा रहा है, लेकिन इसके मायने तरह तरह के निकाले जा रहे हैं और कयासों का बाजार है कि गर्म है। आप क्या कहें? बिल्कुल सही बात है महेंद्र जी, जिस तरह से हम लोग बात करें तो ये मदरसा बोर्ड का ही जो है यहाँ पर प्रस्ताव था जिसे अब राज्य जो है वो शिक्षा केंद्र की तरफ भेजा गया है, उसकी तरफ से अब हरी झंडी मिलने के बाद में नए पाठ्यक्रम में ये विषय शामिल किए जाएंगे। महेंद्र जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें एक विषय है, इस्लाम धर्म में देशभक्ति का क्या महत्व है, ये महत्वपूर्ण विषय भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मदरसों की पढ़ाई में मदरसों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। इसे लेकर भी लगातार जो है वो हलचले तेज हैं और मदरसा बोर्ड ने आखिर इस विषय को क्यों शामिल किया है इस पर भी जो है शिक्षाविद अपने अपने तर्क और वितर्क यहाँ पर सामने रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये जो मदरसा बोर्ड का जो बयान सामने आया है उसके बाद में हलचले जो है वो तेज जरूर नजर आ रही है। देखना यह होगा कि किस तरह से जो 2.5 लाख से भी ज्यादा तकरीबन 2,30,000 बच्चे जो है प्रदेश भर के वो इसे किस तरह से लेते हैं। पिछले दिनों एक और बयान सामने आया था कि मदरसों में अब गीता के श्लोक भी पढ़ाए जाएंगे, उसे लेकर भी जो है विपक्ष ने सीधे तौर पर निशाना साधा था कि सरकार जो है वो मदरसों का भगवाकरण करने में लगी हुई है। इस तरह के आरोप भी लगातार लगे थे जिसमें मंत्री जो है अर्चना चिटनिस उनका भी बयान यहाँ पर सामने आया था। लेकिन जिस तरह से अब ये मोदी और शिवराज का पाठ पढ़ाने की जो यहाँ पर एक परिपाटी यहाँ पर शुरू होने जा रही है, नया जो है आयाम यहाँ पर जुड़ने वाला है, उसको लेकर आने वाले दिनों में हलचलें काफी देखने को मिलेगी। हालांकि विपक्ष शांत है लेकिन आने वाले दिनों में इसे लेकर कहीं ना कहीं सियासी हवाएं जरूर तेज हो सकती है। जी महेंद्र जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं संवाददाता शार्दुल राठौर। शार्दुल, आपका क्या कहना है? सीधे तौर पर इसे सियासी चश्मे से जोड़कर भले ही ना देखा जा रहा हो लेकिन जरूर विपक्ष यहां पर सक्रिय हो सकता है, ऐसी चिंताएं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को जरूर सताती होंगी। क्या लगता है आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और उस चुनाव की सुगबुगाहट है कि अभी मध्य प्रदेश के सूबे के गलियारों में सुनाई देने लगी है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और आपकी पड़ताल में कौन कौन से ऐसे तथ्य थे जो कि निकलकर सामने आए? जी बिल्कुल महेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो मदरसे बोर्ड हैं इनको लेकर हमेशा सवाल उठते आए हैं। देखा जाए तो कई बार जब कांग्रेस की सरकार रही है उस दौर में भी कई बार मदरसों के ऊपर सवाल उठे कि वहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है वहाँ पे बच्चों को जो सिखाया जा रहा है वो अनैतिक पाठ सिखाया जा रहा है। लेकिन इस बीच में ये जो देशभक्ति का कार्ड इन दिनों देश में चला बीजेपी ने फैलाया है उसमें देशभक्ति कार्ड में ये मदरसों की तरफ से या मदरसे चलाने को लेकर जो भी इनकी संस्थाएं उनकी तरफ से जो पहल की जा रही है और सरकार को साथ में लेकर जो सरकार वर्तमान में देश में जो हिंदुत्व का कार्ड फेंक रही है और साथ में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही, उस बीच ये जो बात निकल के सामने आई है तो इसको देखकर ये माना जा सकता है कि सियासी बदलाव आना तय है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चुप बैठने वाली नहीं, आने वाले समय में जो चुनाव है तो कांग्रेस इस मुद्दे को कहीं ना कहीं इस तरह से इस नज़रिए से लोगों के सामने ले जाने की कोशिश जरूर करेगी कि जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग जो हमेशा कांग्रेस से ज़्यादा लगाव या ज़्यादा जुड़ा रहा है कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को दूर कर वापस उनकी तरफ आने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर आज की न्यूज की रिपोर्ट में इतना जरूर साफ होता है कि विपक्ष ने लगातार अपनी तैयारी को तेज कर दिया है और इस पूरे मसले पर आने वाले दिनों में सियासत भी गर्मा सकती है, ऐसे संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के नगर अध्यक्ष यहाँ पर नासिर शाह, जब उनसे आज की न्यूज की टीम ने सवाल किए तो उनका क्या कुछ कहना था और इस पूरे मसले पर वो क्या कुछ जानकारी देते दिखाई दिए, ये भी यहाँ पर दर्शकों को बताना लाजमी हो जाता है। तो यहाँ पर सुनते हैं अल्पसंख्यक नगर अध्यक्ष नासिर शाह की क्या है सीधी बात। जितना मैं समझ रहा हूँ मेरी मदरसा बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं इमादुद्दीन शेख साहब, उनसे बात कंटिन्यू कुछ विषयों को लेकर हो रही है। तो एक तो जो आपने विषय निकाला, मैं आपको बताऊँ कि मदरसों के अंदर देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का राष्ट्रपति कौन है और जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं उसका मुख्यमंत्री कौन है, ये एक सामान्य बात है, ये नई बात रही है, ये हमेशा से पढ़ाते आए हैं बच्चों को, मदरसों में तालीम दी जाती है। मैं भी मदरसे में पढ़ा हूँ हमारे यहाँ, तो चूँकि मैं पढ़ा हूँ मुझे पता है इसमें इस तरह की नई बात कभी मुझे नहीं लगती कि कोई ऐसी आई है।
एक जरूर हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी के जो देश में अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसका विकास होना चाहिए, उसको कैसे आगे आए उसकी चिंता करना चाहिए। तो वो उसमें ये नहीं कहा कि वो हिंदू हो, वो कोई अन्य जाति का हो, मुसलमान हो या ये हो, कोई भी हो सकता है। तो कोई भी में सब है, उसी का पार्ट है, वो उसमें पढ़ाया जाता है। तो मैं समझता हूँ गलत नहीं गई। कहीं ना कहीं मदरसों को लेके जो कई तरह की बातें भ्रांतियाँ फैलाई जाती या बातें आती, तो मैं आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहूँ कि मदरसे में 90% जो तालीम है वो इस्लामिक तालीम दी जाती है। और इस्लाम में और हमारे कुरान में भी कि जिस देश के अंदर रहो उस देश के वफादार रहो, यानी आधा ईमान जो है आपका वो होता है कि अगर आप देश के वफादार हो तो आप आधे मुसलमान तो हो गए, और आधे कुरान में जो चीज़ें लिखी उस पर अमल करके जो वास्तव में जो मुसलमान एक सच्चा और ईमानदार होना चाहिए वो पूर्ण रूप से तभी हो सकता है जब कुरान की बातों को अमल करे। और जिस देश में रहे उस देश का वफादार रहे, वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जो देश के अंदर किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल हो जिससे देश को नुकसान हो या उसके इस्लाम को नुकसान हो। चलिए, यहाँ पर हमने दोनों पक्ष देख लिए, सिक्के के दोनों पहलू जनता के सामने हैं, दर्शकों के सामने हैं। आज की रिपोर्ट में इतना जरूर तय हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को यह बयान देना पड़ा, और उनके बयान को लेकर जो प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार तेज है उसके बाद अब कैसे इस पूरी बड़ी बहस पर विराम लग पाता है ये देखना भी लाजमी होगा। पीयूष, जाते जाते आपसे सवाल करना चाहूंगा, दोनों ही सिक्के के पहलू हमने यहाँ पर देख सुन लिए हैं, क्या आपका यहाँ पर पत्रकारिता की नजर से विश्लेषण होगा? तीसरी आंख यहाँ पर कैसे, चौथा स्तंभ का प्रहरी कैसे यहाँ पर अपना सही और सटीक विश्लेषण देता है? बिल्कुल महेंद्र जी, जिस तरह से ये मदरसा बोर्ड का जो एक फैसला है या कह लें कि उन्होंने जो मंशा जाहिर की है और इसे केंद्र जो है वो राज्य शिक्षा केंद्र के सामने इसे रखा है, इन बिंदुओं को, तमाम बिंदुओं को, और हरी झंडी मिलने का अब इंतजार है। ऐसे में एक बात साफ तौर पर देखेगी कि जिस तरह से मदरसों की जो पढ़ाई को लेकर जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, अब क्या आने वाले दिनों में वाकई में आधुनिकीकरण होगा? क्या वाकई में मदरसे जो जिनमें पढ़ाई को लेकर लगातार विवाद की स्थिति या कहें विपक्ष और पक्ष के बीच में तीखी जो है वो यहाँ पर बहस भी देखने को मिलती है, उनमें कहीं ना कहीं सुधार होगा? सीधी बात यही है, मोदी और शिवराज का पाठ पढ़ाया जाना कितना सही है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है, मदरसा बोर्ड के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इन चीजों के अलावा मदरसों की शिक्षा में सुधार, वहां की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं और 2.5 लाख से के करीब बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी वहां पर मदरसा बोर्ड में भी मदरसे जो स्कूल है वहां पर अपनी शिक्षा ग्रहण करेगी, तो किस तरह से वहां की शिक्षा को बेहतर बनाया जाए उस पर ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना जरूरी यहाँ पर समझा जा रहा है। जी महेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हम यहाँ पर आपका करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे आज की न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ संवाददाता शार्दुल राठौर, जो कि बता रहे थे कि क्या कुछ सूबे के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और किस तरह से ये मुद्दा है कि आने वाले दिनों में गर्मा सकता है, इसके भी संकेत साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल देखना होगा कि एक दौर था, एक जमाना था जब मदरसों का नाम जुबान पर आते ही विकास की एक अनदेखी कहानी जो है तस्वीर सामने आ जाती थी, लेकिन आज ये वक्त बदला है, आधुनिक युग का बदलता परिवेश है और अल्पसंख्यक समुदाय का नजरिया भी दिनों दिन बदल रहा है। शायद यही वजह है कि देश में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब बन जाती है तो अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज में भी यू टर्न आता नजर आता है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे मोदी और शिवराज का गुणगान मदरसों की शोभा बढ़ाता है। आज की न्यूज के इस खास सेगमेंट आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और तेज तर्रार मुद्दे के साथ, एक और ऐसे अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे जो कि आप तक पहुंचाना है बेहद जरूरी। तब तक ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की।